Hey everyone, good morning. How are all of you? I hope आप सब अच्छे होंगे. Welcome back to my YouTube channel. तो जैसे कि मैंने आपको पिछले ब्लॉग में बताया था कि मैं गाड़ी का रिव्यू कराऊंगा आपको, तो कंपनी ने मेरे भाई को किए नए साल में गाड़ी गिफ्ट, करोला क्रूज. तो मैं आपको आज उसका रिव्यू कराने जा रहा हूँ. तो आपको कैसे लगी गाड़ी तो आप मेरे को कमेंट में बताना बाद में. तो चलो चलते हैं, लेट्स स्टार्ट. तो अभी आ जाते हैं पीछे की साइड. यहाँ पे करोला क्रॉस और यहाँ पे है बैक कैमरा और इसका जो देखिए उसका बटन और इसकी जो लाइट है मेरे को बहुत ही अच्छी लगी. तो यहाँ पे आपको मिल जाता है बहुत ही अच्छा स्पेस सामान रखने के लिए, लगेज रखने के लिए. तो ये था गाड़ी का आउटलुक. अभी दिखाते हैं आपको अंदर से. सो लेट्स गो. तो ये है कार की कीज, रिमोट कंट्रोल्ड फुली. सबसे पहले हमको यहाँ पे मिलते हैं फोल्डेबल ग्लास, मिरर ग्लास, जो कि जब हम गाड़ी ओपन करेंगे तो ऑटोमेटिक खुल जाएंगे. आई विल शो यू. चलो चलते हैं अंदर. तो आपको इसको स्टार्ट करने के लिए कीज की जरूरत नहीं है, पावर बटन लगा है. आपको सिर्फ इसको पुश करना है. तो आपको सबसे पहले जो इसका ब्रेक है, ब्रेक पे पैर रख के देन प्रेस द बटन और आपकी जो गाड़ी है स्टार्ट हो चुकी है. और ये सीट बेल्ट का अलार्म भी आ रहा है. ये स्टीयरिंग के कंट्रोल पैनल इस तरह से. तो ये बहुत ही अच्छी गाड़ी लगी मुझे, पर्सनली बहुत ही अच्छी लगी, क्योंकि ये डबल सोर्सेज पे चलती है. लाइक एक तो पेट्रोल और दूसरा इलेक्ट्रिकल. इलेक्ट्रिकल जैसे कि आप नॉर्मल स्पीड में चला रहे हैं तो ये बैटरी पे चलेगी, और दूसरा जैसे ही एकदम से आप रेस करेंगे तो ये एकदम से पेट्रोल पे हो जाएगी. ये मुझे इसकी बहुत ही अच्छी एक चीज़ लगी, जो कि इसको लिटिल बिट यूनिक बनाती है बाकी गाड़ियों से.
Thank you.